नमस्कार फ्रेंड्स, मैं श्वेता अल्फांसो मेरी चैनल होममेड बाय श्वेता पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की जो रेसिपी है वो है रोज कुकीज। जी हाँ, मैं आज आपके साथ रोज कुकीज की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रोज कुकीज जो है वो हमारे यहाँ क्रिसमस पे बनाया जाता है और अभी क्रिसमस आने वाला है तो मैंने सोचा कि चलो क्रिसमस के लिए ही कुछ अलग से स्नैक्स रेसिपी बनाई जाए। मैंने ये रोज कुकीज का फोटो जब मेरे स्टेटस पे डाला था तो बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी थी कि आप हमें ये बनाना सिखाइए, तो मैं आज आपके साथ रोज कुकीज की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रोज कुकीज जो है वो एक केरला की ट्रेडिशनल रेसिपी है। वैसे तो ये ट्रेडिशनली एग से बनाई जाती है, लेकिन मैं आज आपके साथ एग फ्री रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही सिंपल है और इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे इजीली आपके घर पे अवेलेबल होंगे। तो आज हम बनाना सीखेंगे हमारी रोज कुकीज की रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। रोज़ कुकीज़ बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, चावल का आटा, शुगर, ऑयल, सॉल्ट और दूध। रोज़ कुकीज़ के लिए एक स्पेशल मोल्ड आता है इस तरह का, जो मेटल का होता है। वो मेटल स्टील का भी होता है, ब्रास का भी होता है और नॉनस्टिक भी आता है, जो एक बड़े से हैंडल के साथ आता है और ये जाता है सीधा गर्म तेल के अंदर और इससे हम रोज़ कुकीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टील का बोल ले लेंगे। स्टील का बोल इसलिए हम लेते हैं, हमें प्लास्टिक का बोल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये जो मेटल का जो बोल है वो गर्म तेल में जाता है, हैंडल भी कभी कभी गर्म हो जाता है, तो हम स्टील या फिर ग्लास का बर्तन ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो क्वांटिटी का दूध हमने लिया है उसमें से थोड़ा सा दूध पहले अलग से लेंगे, उसमें मिला देंगे शुगर। सॉल्ट और दोनों को अच्छे से पहले डिसॉल्व कर लेंगे दूध के साथ। अब हम इसमें मिला रहे हैं चावल का आटा, इसे भी पहले अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मैदा जो हम छान के डालेंगे। अब धीरे धीरे से हमें पहले जो इतना दूध डाला था उसमें मैदे को मिलाना है और धीरे धीरे करके पूरा जो दूध का क्वांटिटी है वो हमें इसमें मिला देना है। ध्यान रहे, हमें बहुत ही गाढ़ा बैटर नहीं बनाना है, नहीं तो आपके जो रोज कुकीज़ है वो बहुत से मोटे से बनेंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आपको अच्छा सा पतला सा बैटर, लेकिन इतना भी पतला नहीं कि आपकी रोज कुकीज़ शेप ही ना लें। तो यहाँ पे जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है आप उतनी ही क्वांटिटी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके रोज़ कुकीज़ एकदम परफेक्ट बन के आएंगे। तो इस तरह का पतला बैटर हमें रेडी कर लेना है। अब हम इसमें लास्ट में मिलाएंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये बैटर रेडी हो गया है। कुछ लोग इसमें सफ़ेद तेल का यूज़ करते हैं और कुछ लोग इसमें ब्लैक तेल का भी इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पर ब्लैक तेल यूज़ करेंगे। आप चाहे तो इसको बिना तेल के भी बना सकते हैं। अब रोज कुकीज़ बनाने के पहले आपको क्या करना है, उसकी जो मोल्ड है उसे अच्छे से तेल में गरम करने के लिए रखना है। तो तेल आपका जब मीडियम आंच पे गरम हो जाए तो आप उसमें मोल्ड को डुबाइए और जब वो गरम हो जाए तब हम इसको बैटर में डालेंगे। अब बैटर में डालते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मोल्ड है वो आपको पूरा डिप नहीं करना है, आपको सिर्फ उसके किनारे डिप करने हैं ताकि जो बैटर है वो आपके किनारे पर चिपक जाए, क्योंकि हमारा मोल्ड गरम है वो बैटर हमारा किनारे से चिपक जाएगा। सीधा आप उसको वापस अपने गरम तेल में डालिए और थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि जो बैटर है वो अपना किनारे छोड़ देंगे और अच्छा सा रोज़ कुकीज़ आपके तेल में तैरने लगेगा। आप चाहे तो मोल्ड को थोड़ा थोड़ा सा हिला लीजिए ताकि वो जो बैटर है वो मोल्ड को छोड़ दे। ये देखिए हमारा रोज़ कुकीज़ जो है वो मोल्ड को छोड़ दिया है। अब हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जितनी भी बार रोज़ कुकीज़ के मोल्ड को डिप करना पड़े उतनी बार आपको उसको पहले गर्म करना है, बाद में ही उसे आपको बैटर में डिप करना है। अगर आप इसके बगैर करोगे तो आपका जो बैटर है वो आपके मोल्ड के साथ चिपकेगा ही नहीं। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको
गरम करने के बाद ही मोल्ड को आपके बैटर में डुबाना है, और डुबाते टाइम भी आपको पूरा मोल्ड नहीं डुबाना है, सिर्फ उसके किनारे डुब जाए उतना ही आपको उसमें डिप करना है। धीरे धीरे से 2 या 3 कुकीज़ आप इस तरह से बना सकते हैं। रोज़ कुकीज़ को तलने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि उसका जो नीचे का हिस्सा है वो अच्छे से आप ब्राउन होने तक तले, और वो भी मीडियम आंच पे तले, अदरवाइज वो कच्चा रह जाएगा और थोड़ा सा सॉफ्ट रह जाएगा, जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आपको एकदम पेशेंटली इनको दोनों तरफ से फ्राई करना है, और गोल्डन ब्राउन होने के बाद उसे आराम से निकाल के एब्जॉर्बर शीट पे रख देना है। ऐसे करके आपको पूरा बैटर ख़त्म करना है। लास्ट में आपका थोड़ा सा बैटर बच जाएगा जिसे आप यूज़ कर सकते हो पैनकेक बनाने के लिए। धीरे धीरे करके मैंने पूरा बैटर ख़त्म कर लिया है और मेरे सारे रोस्ट कुकीज़ अभी बन के रेडी है।